दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का बादशाह भाई यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 का 23rd मुकाबला आप सभी दोस्तों के सामने लेकर हाजिर हूँ। बात करें इस मुकाबले के बारे में तो ये मुकाबला आप सभी दोस्तों को नेल्लई रॉयल किंग्स वर्सेस डिंडीगुल ड्रैगन के बीच में देखने को मिलने वाला है। दोनों टीमों के बारे में बात की जाए तो दोस्तों दोनों ही टीमें टॉप से टर्न्ड एंड थर्ड पोजीशन पे अवेलेबल हैं। बात करें दोनों टीमों 5 मुकाबले खेल चुकी हैं और सौभाग्य से दोनों ही टीमें 4-4 मुकाबले विन की हैं और एक एक मुकाबले में ही हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि दोस्तों अब यहां से जो भी टीम विन करेगी वो दूसरे पायदान पर चली जाएगी। बात करें दोस्तों ग्राउंड के बारे में तो ये मुकाबला आप सभी दोस्तों को इंडियन सीमेंट क्रिकेट ग्राउंड में देखने को मिलने वाला है, जहां पर वेदर पूरी तरीके से क्लाउडी नज़र आ रहा है। बात करें दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में तो फर्स्ट बैटिंग एवरेज 149 एंड सेकंड बैटिंग एवरेज 136 के आसपास अभी तक देखने को मिला है। वहीं हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड पर किसी भी टीम द्वारा बनाया गया 206 रन और लोवेस्ट स्कोर मात्र 83 देखने को मिला है अभी तक, जबकि हाईएस्ट चेज 190 देखने को मिला और लोवेस्ट डिफेंडेड स्कोर 111 रन रहा है। हेड टू हेड के बारे में बात की जाए तो कमाल की बात ये निकल कर आती है कि NRK वर्सेस DD के बीच में अभी तक 4 मुकाबले खेल चुके हैं और सौभाग्य से दोनों ही टीमें 50-50 की नज़र आई हैं हेड टू हेड में, यानी कि दोनों टीमें दो दो मुकाबले बीन गई हैं। बात करें दोस्तों दोनों टीमों के की प्लेयर्स के बारे में, जहां पर नेल्लई रॉयल किंग्स के की प्लेयर्स में दोस्तों आर मिथुन के साथ में दोस्तों एल सूर्यप्रकाश, जी अधिशेत, अरुण कौशिक और ऋतिक इरसावन के साथ में दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं संदीप वारियर। वहीं पर दोस्तों अगर डिंडीगुल ड्रैगन के बारे में बात की जाए तो हेमंत कुमार, बाबा इंद्रजीत के साथ में आदित्य गणेश, शिवम सिंह, बिमल कुमार और रविचंद्रन अश्विन के साथ में दोस्तों कप्तान वरुण चक्रवर्ती बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकते हैं। वैसे आप सभी दोस्तों को क्या लगता है 23वां T20 मुकाबला तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 का कौन सी टीम विन करने वाली है, NRK या फिर दोस्तों DD? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बादशाह भाई यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूले।